क्वालिटी का भरोसा चाहिए तो प्रमोद ज्वेलर्स आइए, जो लेकर आए हैं शगुन कलेक्शन का एक खूबसूरत तोहफा। हर 30,000 रुपए की खरीद पर पाइए एक लकी ड्रॉ कूपन। लकी ड्रॉ योजना में वेस्पा जीतने का सुनहरा मौका और भी कई सारे आकर्षक इनाम। जल्दी करें। प्रमोद ज्वेलर्स, पारधी नगर, हिंगणा रोड, नागपुर, TNC अप्लाई। हरकेश्वर पुलिस स्टेशन के हद में सिगरेट के धुएं को लेकर हुए विवाद पर एक युवती ने अपने साथी के साथ मिलकर एक युवक को मौत की घाट उतार दिया। जानकारी है कि मृतक रंजीत राठौड़ एक किराना दुकान और पांठेला चलाता था। नागपुर में नए पुलिस आयुक्त आने के बाद जहां लगातार हत्याओं का दौर शुरू था, वहीं कुछ दिन बाद पुलिस प्रशासन ने इन घटनाओं पर काबू पा लिया। मध्य का काल शांति में बना रहा तो वहीं फिर से शहर में हत्याओं की घटनाएं देखने को मिल रही है। रविवार को हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले महालक्ष्मी नगर में मामूली विवाद को लेकर शुरू हुए विवाद पर दो युवतियों ने अपने पुरुष मित्र को बुलाकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। जानकारी मिली है कि आरोपी जयश्री पांसारी और रंजीत की पांठेले पर कहा सुनी हो गई, जिसके बाद रंजीत वहां से अपने घर के पास चला गया। इस बीच जयश्री ने अपने साथी सविता सायरी, आकाश राउत, जीतू जाधव को बुलाकर रंजीत को घेर लिया और चाकू से वार कर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस रंजीत को अस्पताल ले गई जहां उसे मृत घोषित किया गया। जितना इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम सामने आई है, उतने उसके जो लड़कियां थी वो पता चला कि वो सिगरेट पी रहे थे रस्ते पे, और जो मयत आरोपी है, मयत है अपना विक्टिम जो है, तो वो भी उस टाइम पे वहां खड़ा था और उनके कुछ शाब्दिक उनमें चकमक हो गई, उसके वजह से वो लड़की ने किसी को फोन करके बुला लिया। उनके भी नाम पता चलेंगे अभी, एक उसमें से नाम पता चला है आकाश राउत नाम का आरोपी है। वो तीनों बैठ के गाड़ी में उसको ढूंढते हुए महालक्ष्मी नगर में चले गए और उधर वो लड़के को देखा और उधर वो स्टैबिंग करके उसका खून कर दिया। अभी तक अपने कस्टडी में तीन आरोपी है, इसमें दो लड़कियां हैं सविता और जयश्री नाम की, और जो एक लड़का है आकाश राउत नाम का, वो इतने तीन आरोपी किए गए। इसमें अभी तक जो आकाश नाम का आरोपी है उसके अभी भी उसपे नागपुर सिटी में डिफरेंट पुलिस स्टेशन में तीन पांच गुने उसके ऊपर दाखिल है। जानकारी मिली है कि हत्या का पूरा वाक्या CCTV में कैद हो चुका है। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी जयश्री अपने साथियों के साथ वाड़ी परिसर में आकाश के घर पर रात भर छुपी थी, जिसके बाद सवेरे ऑटो से भागते वक्त पुलिस ने उन्हें पुराना VC ग्राउंड के पास गिरफ्तार कर लिया। जीतू जाधव इस मामले में फरार बताया जा रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुक्लवार की रिपोर्ट।